कश्मीर मसले पर एक बार फिर से सदाबहार दोस्त रूस ने भारत का साथ देते हुए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल 10 नवंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल माध्यम से संघाई सहयोग संगठन से जुड़े थे। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान का बिना प्रमोशन किए ही निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत संघाई सहयोग संगठन के चार्ट में निर्धारित विषयों को मजबूती से रखता है, लेकिन कुछ देश संघाई सहयोग संगठन के विषय पर चर्चा करने के बजाय द्विपक्षीय मुद्दों को चर्चा में लाना चाहते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी तरह के प्रयास संघाई सहयोग संगठन की परिभाषा को बदलने चाहते हैं, जो कि स्वीकार्य नहीं है। इसी मुद्दे को लेकर रूसी मिशन के प्रमुख रोमन बाबुशिकन ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाते हुए हिदायत दी, जो कि हम आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल है और किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा होती है। वर्तमान समय में रूस, चीन, पाकिस्तान और भारत समेत कुल 8 देश संघाई सहयोग संगठन में शामिल है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य संबंधी देशों में शांति, सुरक्षा व स्थिरता बनाए रखना है और इसी के साथ ही सदस्य देशों के मध्य परस्पर विश्वास तथा सद्भावना को मजबूत करना है। रूसी मिशन के उप प्रमुख रोमन बाबुशिकन ने गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि संघाई सहयोग संगठन के चार्ट का हिस्सा है कि द्विपक्षीय मुद्दों को एजेंडे में न लाया जाए, और हमने यह सभी सदस्यों को स्पष्ट कर दिया है कि बहुपक्षीय सहयोग की प्रगति की खातिर इसे बचा जाना चाहिए। आगे बाबुशिकन ने कहा कि जहां तक भारत पाकिस्तान विवाद का संबंध है, हमारी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की घटना न हो। देश विदेश की सभी खबरें एक साथ जानने के लिए द एनआई टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली हर खबर की अपडेट आपको सबसे पहले मिले।